नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा जॉब्स में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ आसाम चीफ सुपरिटेंडेंट लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नॉर्थ लखीमपुर ने जो ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो नॉन टेक्निकल ग्रेड 3 का टोटल 71 पोस्ट है, जिसमें अकाउंटेंट का 2 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह बीकॉम और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 7,400 रुपए ग्रेड पे होगी। अकाउंट असिस्टेंट का 4 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 6,200 रुपए ग्रेड पे होगी। कैशियर का 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीकॉम किया हो प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 7,400 रुपए ग्रेड पे होगी। लोअर डिवीजन असिस्टेंट का 15 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगी। स्टेनोग्राफर का 2 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया हो स्टेनोग्राफी में ITI से, प्लस आपने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 6,200 रुपए ग्रेड पे होगी। ड्राइवर का 3 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th या इक्विवेलेंट पास हो और आपके पास मीडियम मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगी। स्टोर कीपर कम कंप्यूटर ऑपरेटर का 21 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, प्लस आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगी। रिकॉर्ड कीपर कम क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, प्लस आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगी। रिकॉर्ड क्लर्क का 7 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगा। कोडिंग क्लर्क का 4 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगा। स्टेटिस्टिशियन का 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने MSc किया हो स्टेटिस्टिक्स में। और सैलरी की बात करें तो यह 22,000 से 87,000 रुपए के बीच प्लस 9,100 रुपए ग्रेड पे होगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट का 4 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी चाहिए होगा। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 6,200 रुपए ग्रेड पे होगी। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क का 2 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी चाहिए होगा। और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 8,700 रुपए ग्रेड पे होगी। लाइब्रेरियन का 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस में,
आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 8,700 रुपए ग्रेड पे होगी। डेप्यूटी लाइब्रेरियन का एक पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरी साइंस में। आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी चाहिए होगा और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 7,400 रुपए ग्रेड पे होगा। सोशल वर्कर का 3 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री कोर्स किया हो सोशल वर्क में और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 6,200 रुपए ग्रेड पे होगा। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट से। आपको यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में डिप्लोमा भी चाहिए होगा और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 रुपए से 60,500 रुपए के बीच प्लस 8,700 रुपए ग्रेड पे होगा। डॉक्यूमेंटलिस्ट का 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट से। आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी चाहिए होगा और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगा। स्टोर कीपर कम रिकॉर्ड क्लर्क का 4 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट से। आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी चाहिए होगा और सैलरी की बात करें तो यह 14,000 से 60,500 रुपए के बीच प्लस 5,600 रुपए ग्रेड पे होगी। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो यह 1 जनवरी 2020 को बेस मानकर काउंट होगी और आपकी उम्र यहाँ पर 18 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप होगा आपका 12 मई 2020 से 27 मई 2020 के बीच। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप एग्जाम से 1 वीक पहले और एग्जाम का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। फीस और एग्जाम पैटर्न की ज्यादा जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी नहीं दी गई है और यह जब भी अपडेट होगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो दोस्तों आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड्डा जॉब्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।